यूक्रेन तुम्हें संभलना है तो संभल जाओ, वरना पुतिन ने अपना काम कर दिया है। पूरी दुनिया दिखा रही थी कि रूस हार रहा है, अचानक से जब सप्लाई भेजा गया तब हम भाप गए। पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं। यूक्रेन का एक जगह था चेर्नोबिल, जगह का नाम क्या था? चेर्नोबिल। चेर्नोबिल में परमाणु बिजली घर था और उस ससुरा उसमें जो कंट्रोल करने के लिए रॉड लगाया जाता था, कैडमियम या बोरॉन, जो कंट्रोल करने के लिए रॉड लगाए तो कंट्रोलिंग रॉडवे में आग लग गया और वो बिजली घर ब्लास्ट कर गया। तो किसका रूप ले लिया? परमाणु बम का। ये किस देश में था? यूक्रेन। अब उसी यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है जेपोरेजिया। क्या नाम है? जेपोरेजिया। वहां भी परमाणु बिजली घर है और उसमें भी 9 रिएक्टर है और उसमें एक छह रिएक्टर है और उसमें एक साल से रूस की सेना कब्जा की हुई थी। रूस की सेना में अचानक से सप्लाई भेजा गया पोटेशियम आयोडाइड का। तब हम भाप गए, कुछ तो गड़बड़ है। पोटेशियम आयोडाइड की गोली तभी भेजी जाती है जब परमाणु विस्फोट होने वाला हो। पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेंगे तो उससे निकलने वाले रेडिएशन से थोड़ा बहुत बचेंगे। अब पोटेशियम आयोडाइड की सप्लाई जाने लगी, एंटी रेडिएशन मास्क जाने लगा वहां पे लॉजिस्टिक में रोस्टोव से, तब तो हम समझ गए ले जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ले जाएगा। इसलिए हम पहले से बता दिए, यूक्रेन तुम्हें संभलना है तो संभल जाओ, वरना पुतिन ने अपना काम कर दिया है। पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं। समझ आ गया कि नहीं? अरे हम पुतिन हमको पसंद आता है, हमको हम पुतिन की सब सीधा बातें करते ना, नो वन कैन लिव इफ इंडिया डाई। भारत को कुछ हुआ तो दुनिया भी नहीं बचेगी, यही बात पुतिन कहता है। रूस को कुछ हुआ तो दुनिया नहीं बचेगी, नहीं समझे? हम उस दुनिया का क्या करेंगे जिसमें भारत ही नहीं रहे? तो पुतिन भी कहता हम उस दुनिया का आचार डालेंगे जिसमें रूस ही नहीं रहे, नहीं समझे? आप उसके सुधाने ले जाके नाटो सेना को बैठाइए, क्या जरूरत है नाटो सेना की? 31 देश मिलके अगर ये कहें कि हम 31 मिलके मारेंगे किसी को, मतलब क्या है उसका? जाओ यूक्रेन पिटाओ, आगे बढ़ जाए। हमसे कोई को गुस्सा आता है सबको, पुतिन का साथ क्यों देते हैं? हमको ना ना ना, यूक्रेन का साथ देते हैं, हमारे रिश्तेदार है, नहीं समझे? रसिया हमारा पुराना एलाइज रहा है, किसी को कोई दिक्कत? आपको पुतिन खोज रहा है। हमको पुतिन काय लिए खोजेंगे भाई? और हमको खोजेंगे भी तो हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको खोजेंगे वो जिलेंस्की की तरह नहीं, हमको खोजेंगे ठीक ठाक। पूरी दुनिया दिखा रही थी कि रूस हार रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए लोगों को लगे कि रूस हार रहा है। रूस हारेगा जी, अभी खोज रहा है पूरा, अभी निकाला है अपने SU-35, भाग रहा है। जेलेंस्की अपने पूरे टैंक को छुपा दिया, जब टैंक होंगे ना सब छुपा दिया, मार देगा भाई अभी एकदम बिखियाई ले यहाँ पर, मारेगा।